नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने काल के बारे में पढ़ रहे थे, तो आज हम काल के विविध रूपों में बात करते हैं। भूतकाल के बारे में, भूतकाल के 6 भेद होते हैं। उसका पहला है सामान्य भूतकाल। देखिए, सामान्य भूतकाल में क्या होता है, क्रिया के जिस रूप से सामान्यतः क्रिया के संपन्न होने का बोध हो, लेकिन संपादन के काल का निश्चित रूप से ज्ञात न हो, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। यानी क्रिया कब संपादन हुआ, क्रिया जिसका निश्चित काल का रूप से हमें कोई पता नहीं होता है, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे मैंने लेख लिखा, अभी कब लिखा था उसके समय का कोई निश्चित रूप पता नहीं है, उसने पुस्तक पढ़ी थी। भूतकाल का दूसरा रूप होता है आसन भूत। देखिए, आसन भूत में क्या होता है, क्रिया के जिस रूप से ये ज्ञात हो कि कार्य अभी अभी संपन्न हुआ, यानी कार्य जस्ट अभी कब पूरा हुआ है, संपन्न हुआ है, ऐसे उसे आसन भूतकाल कहते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे मैंने पत्र पढ़ा है, अभी अभी पढ़ा है, मैंने लेख लिखा है। तीसरा रूप है पूर्ण भूत। पूर्ण भूत के अंदर क्या होता है, देखिए, क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि कार्य समाप्त हुए, काफी समय बीत गया है, समय बहुत हो चुका है, उसे पूर्ण भूत कहते हैं। जैसे मैं पढ़ चुका था, उमेश आया था। इसके साथ ही हम अगले वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।